हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त गार्नर बॉय आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ अपने गार्निंग बॉय यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे कामों में अच्छे से बिजी होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छुई मुई के प्लांट पे। दोस्तों, इसके कई नाम हैं, जैसे इसे छुई मुई कहते हैं और इसे लाजवंती और मैजिकल प्लांट भी कहते हैं। इसकी खासियत यही है, इस पत्ते को जैसे हम टच करेंगे इसके लीव्स को, तो ये बंद होनी शुरू हो जाती है। देखिए दोस्तों, मैं इसको टच कर रहा हूँ तो इसके लीव्स कैसे बंद हो रहे हैं। देखिए, काफ़ी प्लांट मज़ेदार प्लांट है, इससे बच्चे बहुत खेलते हैं। इसके पत्ते को जैसे ही हम हाथ लगाएं, इसकी टहनियाँ भी झुक जाती हैं। इसमें मेरे इस प्लांट में एक फ्लावर बड भी आया है। दोस्तों, इस प्लांट को मैं पिछले महीने लेकर आया था, ये मेरे को 20 रुपीज़ का मिला है प्लांट। काफ़ी छोटा प्लांट था और अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है प्लांट। दोस्तों, इस प्लांट की अगर हम बात करें तो ये नर्सरी में आपको जुलाई के टाइम के आसपास आपको ये प्लांट मिल जाएगा। दोस्तों, सर्दी में इस प्लांट के पत्ते जो होते हैं येल्लो होके गिर जाते हैं, पर प्लांट नहीं मरता है। प्लांट आप रहने दीजिए, बस इसको ज़्यादा पानी नहीं दीजिए। और दोस्तों, गर्मियों में इसकी सॉइल को सूखने ना दें, इसमें हल्की नमी रखे रहें। दोस्तों, इसके पत्ते ही हैं जो इसकी खूबसूरती बनाते हैं और खेलने में भी काफ़ी बच्चों के मज़ेदार ये प्लांट है। दोस्तों, ये प्लांट आप ज़रूर लाइए। दोस्तों, अगर इस प्लांट की लोकेशन की बात करें तो इसको आपको डायरेक्ट सन में नहीं रखना है, जहां पूरे दिन की धूप आती हो, नहीं तो इस प्लांट के पत्ते येल्लो होके गिर जाएंगे और आपका प्लांट डेड हो जाएगा। दोस्तों, इस प्लांट की अगर हम लोकेशन की सही जगह बात करें तो इसको ऐसी जगह रखिए जहां मॉर्निंग की धूप इसको मिल सके, 1 से 2 घंटे की, तो ये प्लांट आपका बहुत अच्छे चलेगा और सालों साल चलेगा। अगर हम इसकी फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको बर्मी कंपोस्ट महीने में एक बार आप दे सकते हैं। दोस्तों, ये प्लांट काफ़ी मज़ेदार प्लांट है। दोस्तों, इसे अगर आपने ऐसी जगह रखा है ओपन में जहां बहुत तेज़ हवा चलती, तो हवा चलने के कारण इस प्लांट के सारे पत्ते सुकड़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं, टहनियाँ भी इसकी झुक जाती हैं। पर हाँ, जब 10 मिनट बाद फिर से इसके पत्ते खिलने शुरू हो जाते हैं तो फिर ये प्लांट फिर खूबसूरत लगने लगता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहूँगा। तो दोस्तों, जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।